दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लैग का डिज़ाइन बनाएंगे, इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन बनाएंगे। दोस्तों, फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले हम शेप्स में जाएंगे, और शेप्स में आने के बाद यहाँ पे आप बैनर करता हूँ, और यहाँ से बैनर को ड्रॉ करता हूँ। बैनर को ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ, इसकी कॉपी होगी। अब एक और कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को नन कर देता हूँ। आउटलाइन नन तो कर यहाँ से हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें अशोक चक्र बनाना है। तो अशोक चक्र बनाने के लिए सबसे पहले मैं एलिप्स टूल में जाता हूँ। एलिप्स टूल कंट्रोल की सहायता से यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और इसकी एक कॉपी करता हूँ। शिफ्ट की सहायता से माउस को ड्रैग करते हुए इसकी एक कॉपी करता हूँ। इसमें ब्लू कलर फिल करूँगा, इसकी आउटलाइन को नन कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसको रेक्टेंगल और सर्कल को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके सी प्रेस करता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं शेप्स टूल में जाके शिफ्ट की सहायता से इसको शेप्स कॉर्नर इसके राउंड कर लेता हूँ, और यहाँ से राउंड करने के बाद इसको और सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। इंटरसेक्ट करने के बाद अब मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें ब्लू कलर फिल करता हूँ, और इसकी आउटलाइन नन कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट में लेके जाता हूँ, और कंट्रोल की सहायता से इसकी एक डुप्लीकेट करता हूँ। लेकिन यहाँ स्पेस बहुत कम है, तो मैं इसका साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और इसके सेंटर को सर्कल के सेंटर में लेके जाता हूँ, और यहाँ कंट्रोल की सहायता से इसकी एक कॉपी करता हूँ। कंट्रोल की सहायता से इसकी एक कॉपी होगी। अब इसकी डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल में जाता हूँ। फ्री हैंड टूल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसकी आउटलाइन को कर लेता हूँ 3 to 4 तक कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट क्यू को इसकी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से शेप्स टूल को प्रेस करके इसको ब्रेक करता हूँ, देखें कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से इस साइड से भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो देखिए, आपका ये तैयार हो गया है। अब इस पे क्लिक करके मैं इसके सेंटर पॉइंट को वो सर्कल के सेंटर पॉइंट में ले जाता हूँ, और कंट्रोल की सहायता से इसकी कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा ये चक्र जो है वो तैयार हो गया है, और इसके कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ, और आउटलाइन के कलर को भी ब्लू कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये अशोक चक्र जो है वो बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो हमारा ये फ्लैग बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।